इस तरह जी मेलों में जो जब मेले लगते थे ना, अब तो मेले वो दोबारा कल्चर को जिंदा किया जा रहा है। अभी इसको ऑयल वगैरह वो निचोड़ रहे हैं ना अच्छी तरह, ये देखें, वाओ, ये तो पूरा लाल है। वो कहते नहीं लाल पकौड़े, मीठे पकौड़े होते हैं। अच्छा, तो ये अंदर सा निकल रहा है ना। यार हमारी नैन्सी इधर क्या लेने आई आज भाई? जबकि इसने बच्चे दिए हुए ना, तो हम जो है ना इसको कभी घर में रखते थे, तो आज हम ना यानी कि मौसम भी थोड़ा सा बारिश हुई है तो हल्का सा यानी कि गर्मी भी कम थी, तो हमने कहा इस नैन्सी को ना विजिट करा के लाए जरा दूर का, कि अगर ये बाई चांस ये अकेली निकल भी जाए ना तो उसे ये होगा कि क्या नाम है, खुद घर वापस आ जाए। इसलिए इसको सारा एरिया जो है ना वो हम विजिट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं सारा एरिया। चले नैन्सी को आप जो है ना वो घुमाएं फिराएं, मैं कोई देखता हूँ सैर वैर करता हूँ। नहीं तो वो मेरी बात सुनो, हमने उनसे बात की थी ना, वो क्या नाम है, बकरियों की बात की थी ना, बकरियां लेनी है, लेनी है ना, वो जो इतना बड़ा सरप्राइज था, इतना बड़ा दो दिन वो क्या है, आने वाला है, अभी दो दिन हुए नहीं, आ जाएगा यार। ये दो दिन के बाद जो काम आप कहते हैं ना वो होता होता नहीं है भाई, भाई हो जाते हैं सारे काम। अच्छा ये जो है ना, मेरी बात सुने व्यूअर्स, अगर इस दफा इन्होंने दो दिन के बाद सरप्राइज ना दिया तो फिर हमने जो है ना इनको कूच कर देना, इनको हमने व्लॉग में लाना ही नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह सरप्राइज मिलेगा आपको, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा व्यूअर, इस चीज की टेंशन लेनी, पक्की बात है। हाँ, बिल्कुल। चलें जी मान लेते हैं इस दफा, कहते हैं पक्की बात है, इस दफा इनकी जो है ना मान लेते हैं। चलो जी नैन्सी हमारी ने हमें बहुत तंग किया, वो बकरियों के पीछे लगी थी, तो हम इसको छोड़ने जा रहे हैं घर। तो बंदे की जो है ना, ये इंसान की तो हो नहीं, तुम बंदे की दीप बना करो। तुम्हारे वजह से वो बकरी जो है ना वो जख्मी होने वाली थी, तो यार मैंने इसे कभी जो है ना वो पटा नहीं डाला, तो इसने आज जो हरकत की ना वो बकरियों के पीछे लगी और बकरियों को फाड़ने लगी थी। ये तो खून खुआर जो है ना वो नैन्सी हमारी, तो मुझे था कि बड़ी फ्रेंडली है, घर में कुछ नहीं कहती। चलो करो इसको अब बांधना पड़ेगा फाइनली। भाई रिलैक्स हो गए हो आप? यार नैन्सी ने बड़ी दौड़ लगाई है। किसकी दौड़? तो मेरी लगवाई उसने, मैं भी पीछे भागा हूँ, मैं पहले ग्राउंड से निकला हूँ फिर उसके बाद बाइक पकड़े पीछे आया हूँ। यार जितनी उसने मेरी दौड़ लगाई है ना, आप सोच नहीं सकते, मैंने कैमरा बंद किया, मैंने फौरन मैं कि यार किसी बकरी को ये ना हो दांत लगा देगी, और जैसे इसने अगर दांत लगा दिए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। उसने कोशिश की है वैसे बकरी को पकड़ने की ना, तो आप देखो बकरी कहाँ तक उसने भगा दी, वो कहाँ चली गई सारी, इधर इधर थी दीवारों के साथ वो सारी चले गई है, और इधर भी ये अभी नहीं आई बकरियां। वो मेला है आज, वो पिछली वीडियो में बताया था ना हमने मेला है, तो आए मेले पे देखते हैं क्या कैसा मेला होता है। काफी टाइम हो गया, हम बचपन में मेला देखा करते थे कभी, ठीक है ना, तो अब तो मेले रह ही नहीं गए, बचपन रहा है ना वो मेले रहे हैं। तो देखते हैं मेला कैसा होता है। मेले में पहुंच गए जी हम लोग हैं भाई, पार्किंग इधर है भाई, पार्किंग क्या करनी है ओ भाई, पार्किंग इधर है, हम पार्किंग खड़ा कर खड़ी करके देखते हैं, हम बाइक के ऊपर ही जाते हैं। चलो जैसे आप कहते हो, हाँ थोड़ी देर पार्किंग खड़ी करके देखते हैं वो तरफ से। अरे मेरा गाड़ी मैंने स्टैंड पे खड़ी कर दी है, और ये इस रोड के ऊपर ना मैं 18 साल के बाद आया हूँ यकीन करें, और बड़ा खतरनाक रोड हो चुका है। और दूसरा ये कि ये आप देख रहे हैं कि ये किसी दौर में बहुत ज़्यादा मेला भरता था, अब ये सारा DHE आ गया, और मेला जो है ना वो इतनी सी जगह पे ये शॉप दुकान लगने लगी। आए अंदर जाते हैं, इस पे ना वो झूले वगैरह बहुत होते थे, पता है झूले, बड़े झूले होते थे, घोड़ियों की दौड़ होती थी, झूले होते थे, बड़े इंजॉय होती थी और कबड्डी होती थी, आप पता नहीं क्या देखते आए। चले चलते हैं, और वो देखो वो एक नजर आ रहा है वो आर्मी का, वो देखे पुराना 27 नंबर मोर्चा मशहूर है, ये देखे 27 नंबर मोर्चा जी, ये देखे चेक कर, तो वो बंदे बैठे हो, ये यहाँ पे टैंक आता है। भाई क्या जलेब खाने जा रहे हो? यार अभी तो देख रहे हैं। अच्छा आपका दिल नहीं कर रहा है? आपका दिल नहीं कर रहा जलेब खाने को? क्या खाए क्या ना खाए यार, ये क्या होते हैं बड़े बड़े ये वाले, पूछे क्या होते हैं
फुल टिक्की मिठी होंगी कि लूनी होंगी है? मिठी होंगी है भाई, फुल टिक्की है। कोई घोड़ियां आई भागने लगी है, रेस होने लगी भाई। भाई ये फलूदा है, खाना फलूदा बाद में हाँ। वीडियो में यानी खाते हुए ना आए हैं, खा लेंगे वो, कोई मसला नहीं है। वो बचपन याद आता है आपको? कौन सा? वो ईद पर जो कार्ड बांटते होते थे। हाँ हाँ, ये कार्ड है, ये तो वही बचपन वाली सारी चीज याद आ गई है। ये छोटे होते कार्ड जो अमीर पे देते थे, आप तो किसी और को कार्ड दिया करते होंगे, पक्की बात है। निकालनी है किस्मत आसमानी अपनी भाई, शोर शोर बहुत है और हम तो पेट्स लवर है ना, तो ये देखे तोता है, लेकिन ये वाला तोता क्या करता है भला? ये काफी किस्मत निकालता है, ये किस्मत निकालता है। तो आप चेक करें भाई किस तरह की किस्मत निकालते हो भाई। हमारी किस्मत ठीक है, मैंने कोई भाई ये जलेबियां निकल लगी हैं, आप देखिएगा जलेबी कैसे निकलती है। अभी इन्होंने ये वाला जो है ना ये डाला, ये जब जैसे ही ब्राउन होगा ये निकालेंगे, उसके बाद नया जो है ना जलेबियों का मैदा ये डालेंगे। इस तरह जी मेलों में जो जब मेले लगते थे ना, अब तो मेले वो दोबारा कल्चर को जिंदा किया जा रहा है। आज से 20 साल पहले मेले अपने अरूज पे हुआ करते थे, तो अब उस पुराने कल्चर को पुरानी सकाफत को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। और जलेबी इस तरह निकलती है, जो मेरे डिफेंस में शहरों में रहते हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा कि जलेबी, उनको खाने का पता होगा लेकिन निकालते हुए उन्होंने देखी नहीं कभी होगी। इस बड़ी रोटी को पता क्या बोलते हैं? इसको कतलम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतलम्मा। कतलम्मा बस देखें, ये अभी सीधी होगी, ये डरेगी उसके ऊपर। अभी इसको ऑयल वगैरह वो निचोड़ रहे हैं ना अच्छी तरह, ये देखें। वाओ, ये तो पूरा लाल है, वो कहते नहीं लाल है लाल है, वो देखें लाल सामने आ गया, ये देखें। वाओ, यार पता नहीं क्या है वैसे, मदरसे बोलते हैं वो कसूर में जो बहुत मशहूर होते हैं। ये देखो हमारे गांव में भी आए हुए हैं,
यार मेला है ना, फिर तो मेले में तो गांव का कल्चर ये पुराने यही होता था ना। कहां से आए हैं ये भाई? गागा गागा शरीफ नूरपुर जाके गए हैं। और ये भी क्या चीज है पता आपको? नहीं इसका भी नहीं पता। इसको बार पकौड़े बोलते हैं। बार पकौड़े? हाँ, मीठे पकौड़े होते हैं। अच्छा तो ये अंदरसा निकल रहा है ना? वाओ भाई मजे ले रहे हैं अकेले अकेले अंदरसों के। बहुत मजेदार है, ठीक है, बड़े अच्छे निकाल रहे हैं भाई ये। हमने बड़ी देर से मेले में घूम रहे हैं और इतना ज्यादा हमें ऊंचा बोलना पड़ रहा है कि आप तक हमारी आवाज नहीं आ रही होगी। पीछे ढोल बज रहे हैं और उधर जो पूरा वो मेले में डक्शक लगी हुई है, यानी दुनिया जो लोगों का रश है वो बेतहाशा रश है। तो इसलिए आज आप हमें अपने भाइयों को इजाजत दें, आप यानी के शोर में समझ नहीं आ रही हम क्या बोले, तो आप हमें इजाजत दें आज के लिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को जरूर आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। और आज के दिन के लिए अल्लाह हाफिज़।